नमस्ते, मैं निकिता वागदे स्टार एपेक्स न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जर्जर स्कूल की इमारत में पढ़ने मजबूर बच्चे। कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, मात्र नागपुर के रामटेक के सरकारी अनास्था के चलते यही देश का भविष्य अंधेरी और टूटे फूटे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है। नागपुर जिले के रामटेक पंचायत समिति अंतर्गत आने वाली ग्राम किरणापुर के स्कूल की स्थिति जर्जर अवस्था में है। एक वर्ष झालेला शासनाकडून पाडण्याची शाळेला मंजुरी मिळालेली आहे, परंतु ग्राम पंचायत म्हणजे सरपंच म्हणजे याला पाडण्याची मंजुरी म्हणजे यायची आहे असं म्हणत आहे, परंतु शाळा म्हणजे भग्नावस्थेत झालेली आहे आणि मुलांना कधी पण धोका उद्भवू शकतो। तर ह्या 8 दिवसांमध्ये शाळा जर म्हणजे शाळा पाडली नाही तर आम्ही मुलांना शाळेमध्ये पाठवणार नाही, शाळेला कुलूप सुद्धा लावून आम्ही मुलांना येऊ देणार नाही, अशी माझी पालक म्हणून हे प्रतिक्रिया आहे। पिछले कई सालों से स्कूल की बिजली कटी है, संपूर्ण स्कूल की इमारत जर्जर अवस्था में है, बारिश का पानी इमारत की छत से टपकता है। ऐसी हालत में यहाँ पढ़ने ग्रामीण के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने मजबूर है। स्कूल की इमारत इतनी जर्जर अवस्था में है कि यह इमारत कभी भी ढह सकती है। पिछले एक साल से इस इमारत को तोड़ने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन को मिले, मात्र शासकीय अनास्था के चलते आज भी इसी टूटी फूटी स्कूल में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों की इसी उदासीन रवैयों के चलते अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की बजाय निजी स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। वहीं 8 दिनों के अंदर इस स्कूल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की बात कर रहे हैं। जो प्रस्ताव है जो हमने 2017 में भेजा था उसकी परमिशन सितंबर 17 में ग्राम पंचायत को आई है। मैंने अपने स्कूल के तरफ से मुख्याध्यापक के नाते ग्राम पंचायत को 2 लेटर दिए, वैसे ही हमारे घटक शिक्षण अधिकारी पंचायत समिति रामटेक उनको भी 1 लेटर दिया। ग्राम पंचायत ने हमको 1 अगस्त को बताया कि हम 2 तारीख को बिल्डिंग गिराने वाले हैं, इसलिए हमने वो बिल्डिंग खाली की, लेकिन अभी तक उन्होंने वो बिल्डिंग गिराई नहीं। क्या बताने वाले, हम तो अभी अपना काम कर रहे हैं। पढ़ाई तो सब अंधेरा है, क्लास में अंधेरा रहता है, बच्चों को बैठने के लिए बराबर जगह नहीं, उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, बैठने के लिए जगह नहीं, टीचर को बैठने के लिए जगह नहीं। प्रशासन अधिकारी बोलते हमारे कि तुम अपनी पर्याय करो, उसकी कुछ व्यवस्था करो, ऐसा उनका कहना है। पदाधिकारी तो कोई अभी आए नहीं, अभी तक स्कूल में गए साल आए थे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए स्टार एपिक्स न्यूज़ स्टार का वार।